हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद यार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ बिजनेस स्टेटिस्टिक्स की धड़ाधड़ डिमांड आई हुई है। पहली बात तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि सर आप बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का रिविजन कराइए। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि आप कराइए, तो मतलब आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं और मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। क्या कह रहा हूँ, बेसिक से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूंगा। मतलब आप अगर कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है महानुभाव जिससे सबको भय लगता है और आज यही भय मैं निकाल दूंगा आपका। जल्द से जल्द सारा रिविजन कराऊंगा, जल्द से जल्द पांचों यूनिट अपलोड करूंगा। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट का अपना क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी तरीके से बैठा, 9 questions उसके अंदर ओवरऑल, जो अपने 11 बताए थे उनमें से 9 questions ओवरऑल आपके पेपर में देखने को मिले। थोड़ा सा 8 भी हो सकता है, 8-9 questions आपको देखने को मिले, तो बहुत अच्छा अपना पेपर का अटेम्प गया। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपन केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सहारे बैठ जाए। कभी बैठे अकाउंट्स में थोड़ा थ्योरी के कहा आ गए थे ज्यादा, तो वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम हो गई। थ्योरी भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब, जब ये आप पांचों यूनिट का रिवीजन कर चुके हो। तो बिना कोई वक्त गवाए मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूँ। पूरा रिवीजन करेंगे अपन, बेसिक्स लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, बहुत प्यार से सारी चीजें समझाऊंगा। आज तक जैसी आपने स्टैटिक्स कल्पना करी है कि इतना इससे भय क्यों लगा हमको, वो भय आपका हटा दूंगा। अगर आपने बेसिक 10th की भी मैथ्स आती है आपको, 10वीं तक के लेवल की मैथ्स आती है, तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं है, केवल नाम भारी रख रखे हैं, बाकी चीजें अंदर जो है वो काफी खोखलापन है इसके अंदर। खोखलापन सब्जेक्ट तो भारी है, लेकिन नाम केवल बड़े रख रखे हैं, बाकी उसका फॉर्मूला ईजी है, उसके करना ईजी है। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा सब्जेक्ट और आप ऐसी मजाकिया बातें कर रहे हो, तो एक बार पढ़ के देखते हैं मेरे साथ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अगर आप MBA, BBA, BCom, BTech या UGC NET की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स से आपने फॉर्म भरा है UGC NET का, या MBA के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से आपकी, BBA के अंदर है, BCom सेकेंड ईयर में आता है, BTech में कभी कभार देखने को मिला है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने स्टैटिस्टिक्स कर दिया है, रिसर्च मेथडोलॉजी दूसरे नाम से हम इसको इसमें जान रहे हैं, तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपना स्वागत कर रहा हूँ। यूनिट 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो निपटाने होंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है वो थ्योरी बेस पे है। ठीक है, आपको अगर कैमरा थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो 1 second का पॉज, मैं क्लियर कर देता हूं। हाँ, तो अब क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए, मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक्स क्या है, पहले तो एक सब्जेक्ट है, हिंदी में सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। तो सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मास न्यूमेरिकल डेटा। यहां पर वर्ड याद रखना, ये इसकी लिमिटेशन सिग्निफिकेशन याद हो जाएगी आपको, मासेस, यानी कि बड़े आकार पे, बड़े लेवल पे डेटा को इकट्ठा करना। लेवल क्या है, बिग है, लेवल क्या है, बिग है, बड़े आकार पे डेटा को इकट्ठा करना और वही डेटा को एक प्रेजेंट करना एनालिसिस वे में। मतलब कि आप वो डेटा इकट्ठा ही नहीं कर रहे, उसको प्रेजेंट भी कर रहे हो, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी दिलवा रहे हो, मैनेजर डिसीजन में। इसलिए ये सब्जेक्ट MBA के अंदर प्रॉम्प्ट बेसिस पे आता है, स्टैटिकल टूल्स। कि क्या होता है स्टैटिकल टूल्स, क्या है चीजें, इकोनॉमिक्स से कैसे अलग है, तो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है इसलिए इसमें मैथ्स चलता है, लेकिन बेसिस ऑन द डेटा, बेसिस ऑन द कलेक्शन ऑफ द डेटा, बेसिस ऑन द इंटरप्रिटेशन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। आई होप क्लियर है। देखो, पहला क्वेश्चन जो थ्योरी का एग्जाम में फर्स्ट यूनिट का जो देखने मिलेगा ना, वो यहीं से मिलेगा, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप, अब ये स्कोप क्या है, जैसे कि मैथमेटिक्स का भी स्कोप होता है वैसे इसका भी स्कोप है। क्या स्कोप है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है, इफ वी टेक द वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड कंसीडरेशन, वी कैन डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस वी स्टडी। न्यूमरस मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट यूजिंग द ग्राफ्स एंड डायग्राम, सेवरल वे ऑफ कंसीडरिंग डाटा रिगार्डिंग वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। यानी स्कोप क्या है इसका, अगर मैं इसकी स्कोप की बात करता हूं
अगर किसकी बात करता हूँ, अच्छा कलर अपन ने बैकग्राउंड का इसलिए चेंज करा क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर रेड बैकग्राउंड के अंदर हमको प्रॉब्लम आ रही, तो आज अपन ब्लू लेकर आए। अगर और कोई आपको समझ में आए ब्लैक लेकर आए, तो ब्लैक में थोड़ा मुझे रिफ्लेक्शन आ रहा था। ब्लैक के अलावा और कोई कलर आपको अगर रेड ओके है तो रेड बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो ब्लू ओके है तो ब्लू बता दीजिएगा, ये बता जरूर दीजिएगा। तो स्टेटिस्टिक्स के स्कोप की अपन बात कर रहे थे, तो ये तो डेटा कलेक्शन से बात है, ठीक है, और स्कोप हमारा मास में है, मासेस लिखा था वहां का, मास को भी मास ही वैसे बड़ा होता है, मासेस लिख दिया। तो मासेस क्या है डेटा कलेक्शन में, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को कलेक्ट करना स्कोप के अंदर आ गया। ये साइंस भी है, SCIENC, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी जाती है, क्या दी जाती है, डिफरेंट थ्योरीज दी जाती है, इसलिए साइंस भी है, मैथ्स भी है, लेकिन आर्ट्स नहीं है। नंबर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा के अंदर आप एक आर्ट्स का नेचर मान सकते हो कि हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा, हाउ टू एनालाइज द डेटा, वो मैथ्स का हो गया, लेकिन हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा वो आर्ट्स का हो गया, लेकिन बेसिकली इसको साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन माना गया है, और इसका जो स्कोप माना गया है वो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट से माना गया है। एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, कस्टमर प्रिफरेंस, चॉइस, पॉपुलेशन इंडेक्स, पॉपुलेशन टेस्ट, पॉपुलेशन चॉइस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये इसके डिफरेंट स्कोप्स हैं, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अच्छा स्टेटिस्टिक्स के भी टाइप होते हैं, सांख्यिकी दो तरह के होती है, अभी हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अपन थोड़ा बताते हैं, ठीक। तो सांख्यिकी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है इन्फर्टाइल, इन्फर्टाइल एक होती है डिस्क्रिप्टिव। पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्या इन्फर्टियल, हाँ डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है सेट ऑफ डेटा। अभी दोनों के अंदर अंतर एक मिनट में समझा दूंगा, याद भी करवा दूंगा। इन्फेंटियल शियल, इन्फेंटियल मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा है, इन्फेंटियल स्टेटिस्टिक्स अलाउ यू टू टेस्ट हाइपोथेसिस एस एस वेयर यू डेटा इज जनरलाइज एंड बॉर्डर पॉपुलेशन। अब सर ये दोनों क्या है, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इन्फेंशियल, हाँ चलो अब सही हो गया, इन्फेंशियल कभी कभी हो जाता है, तो दोनों बता देते हैं। अब याद करवाने की बात थी अपनी, तो अपना तो ऐसा ही है कि याद अभी के अभी हो जाए तो बढ़िया, अगले दिन का सोचा किसने, दो तरीके की है डिस्क्रिप्टिव और इन्फेंशियल। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब डेटा कलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव होती है विद थ्योरी, ठीक है, इसके अंदर ये डिस्क्रिप्टिव। इन्फेंशियल के अंदर अपन ने क्या था, इन्फेंशियल के अंदर कि डाटा कलेक्ट तो करते हैं, सेम प्रोसेस इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर हाइपोथेसिस सेट करते हैं, हाइपोथेसिस। तो सर ये हाइपोथेसिस क्या है, अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या होता है, जैसे कि एक पॉपुलेशन है, अब यहां पर पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं है, यहां पर पॉपुलेशन का मतलब ये हाइपोथेसिस में आ रहा हूं मैं इस पॉइंट के अंदर, ठीक है, यहां पर पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं है, यहां पर पॉपुलेशन का मतलब सैंपल साइज से है, मतलब सॉरी एरिया ऑफ रिसर्च से है, किसका है, एरिया ऑफ रिसर्च, अब सर ये एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, जिस जैसे कि सपोज मेरे को एक टेस्ट करना है कि इलाहाबाद में कितने लोग डेयरी मिल्क खाते हैं, इलाहाबाद में कितने लोग डेयरी मिल्क खाते हैं, तो मेरा पॉपुलेशन साइज जो होगा वो इलाहाबाद की नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी, यानी कि वहां पर रहने वाले लोग 1 करोड़ हो सकते हैं, 1.5 करोड़ हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, 2.5 करोड़ हो सकते हैं, तो वो पॉपुलेशन एरिया है, एरिया ऑफ रिसर्च ही मेरा पॉपुलेशन कहलाता है। इसमें मैं हाइपोथेसिस सेट करता हूं, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, अनुमान। अनुमान दो ही अनुमान होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है वन हाइपोथेसिस। नल याद रखना H0 से डिनोट करते हैं और H1, H0 और H1
वन, दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, यानी हर चीज के दो पहलू होते हैं। पहला, इलाहाबाद के लोग डेयरी मिल्क पसंद करते हैं, दूसरा, इलाहाबाद के लोग डेयरी मिल्क ना पसंद करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, या तो पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे, तीसरा नहीं, प्रोबेबिली वाला अपने इसके अंदर हाइपोथेसिस के अंदर नहीं होता। तो ये पहले मैं अनुमान लगा लेता हूं, ये हाइपोथेसिस क्या होते हैं, अपन डिटेल में जब आएगा तब अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, पर हाइपोथेसिस क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट होते हैं जो हम प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर के बारे में कि ऐसी चीज होनी चाहिए थी या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी, या ये हो सकता है, मतलब हमारा प्रोबेबल आउटकम, या तो जैसे कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट को डेयरी मिल्क पसंद है या ना पसंद है, इस पे हाइपोथेसिस रखी जाती है, इसी के ऊपर टेस्टिंग होती है, एनोवा टेस्टिंग, जेट टेस्टिंग, अपन सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपन को ये याद रखना है कि पॉपुलेशन का मतलब द एरिया ऑफ रिसर्च है, जितने एरिया पे, अगर मैं 30 लोगों के ऊपर बात कर रहा हूँ, 30 लोगों के ऊपर डेयरी मिल्क टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो वो 30 लोगों की पॉपुलेशन कहलाएगी। अब 30 में से मैं मान लो 15 जनों पे ही टेस्ट करता हूँ, कितने जनों पे, 15 जनों पे ही टेस्ट करता हूँ, तो ये 15 मेरे सैंपल साइज है, क्या है, सैंपल साइज, ठीक है। इलाहाबाद में 2 करोड़ लोग है, तो 2 करोड़ का टेस्ट करना डेयरी मिल्क कंपनी के लिए तो संभव नहीं है, तो वो 2 करोड़ की जगह 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख लोगों के ऊपर रैंडम टेस्ट करती है, तो उनके लिए वो सैंपल साइज क्या हुई, 2 लाख लोग हुए, पॉपुलेशन हुई, मतलब बड़ा, मतलब क्या समझे कि पॉपुलेशन जो है वो बड़ा होता है और सैंपल जो है वो उसी में से पॉपुलेशन से लिया जाता है। किस मेथड से लिया जाता है वो अपन बाद में देखेंगे, रैंडम सैंपलिंग मेथड होता है, डिफरेंट मेथड्स हैं पॉपुलेशन से सैंपल विड्रॉल करने के लिए। जैसे कि 1 लीटर दूध की जांच करनी है, 10 लीटर दूध की जांच करनी है, तो एक हल्की सी उसमें से बूंद ले ली जाती है, जैसे कि आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो वो पूरा खून थोड़ी निकालते हैं, वो तो 2 बूंद 3 बूंद इंजेक्शन में जितना आ जाए, इंजेक्शन से तो डर तो बहुत जनों को लगता है, तो वो जितना आ जाए खून, उतना सा खून 10 ml, 2 ml, 3 ml, उतने की वो जांच करके आपको बता देता है, भैया शुगर ज्यादा है, भैया आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, भैया ये समस्या है, तो ये सैंपल कहलाता है। तो वही सैंपल है कि पॉपुलेशन से अपन विड्रॉ करते हैं, इसी को जब अनुमान लगा के जब अपन रिसर्च टेस्टिंग के थ्रू करते हैं तो इन्फेशियल, फिर से मैं भूल गया, इन्फेंटाइल यहां पे होना चाहिए, इन्फेंटियल, चलो 3 बार मैंने भी रिवाइज करा, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं टंग से नहीं निकलते, टंग ट्विस्टर है इसमें मेरे लिए, इन्फेंटियल। हाँ, तो इन्फेंटियल का मतलब क्या है कि जहां पर हम रिसर्च बेसिस के अंदर पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव करते हैं, सैंपल लेते हैं, हाइपोथेसिस सेट करते हैं, ये तरीके की सांख्यिकी जो कहलाती है वो इन्फेंटियल कहलाती है। जहां पर केवल हम विवेचना करते हैं, जो डेटा है उसको ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई उसके अंदर रिसर्च का पार्टिसिपेशन नहीं होता, उसी डेटा को एनालाइज करके हम कुछ चीज बता देते हैं, यहाँ पर डेटा कलेक्शन भी नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्टिव के अंदर केवल विवेचना होती है, यानी कि लिखा जाता है, जो डेटा होता है उसके बारे में आंसर दिया जाता है। और सिंपल वे में समझाते हैं, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव, आप अपने पिताजी के पास अपनी मार्कशीट लेकर गए तो वो देख के बोल दिए कि बेटा मैथ्स में नंबर कम है, साइंस में अच्छे है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर अच्छे है, तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव हुआ। एक डेटा के आधार पे उसकी विवेचना कर दी गई कि मैथ्स में आपने कम पढ़ाई करी, साइंस में अच्छी पढ़ाई करी, इससे ऐसा ऐसा। इन्फेंशियल क्या है कि बिना आपके एग्जाम लिए आपके एक सेट बना दिया गया कि बच्चा साइंस में अच्छा है या साइंस में अच्छा नहीं है, एक हाइपोथेसिस। दूसरी हाइपोथेसिस, मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा नहीं है, फिर उसके ऊपर टेस्ट किए गए, उसके ऊपर सैंपल साइज लिए गए, सैंपल साइज यानी पूरी मैथ्स नहीं पूछी गई, आपसे कुछ टेस्ट 5 टॉपिक ही पूछे गए, और उसके ऊपर एनालिसिस करके रिप्रेजेंट किया गया कि आप साइंस में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, ये इन्फेंशियल स्टेटिस्टिक से आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए आप मुझे समझ सकते हैं कि कभी कभी हम भी गलती करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, बहुत इजी फंक्शन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, थ्योरी के न्यूमेरिकल भी आएंगे, ऐसा चिंता मत करना, ठीक है, कि सर न्यूमेरिकल कराओ तो न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, आज ही कराए जाएंगे।
फंक्शंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, अब यानी कि कार्य क्या होते हैं, ये एक तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है, प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर फिनोमिना, यानी कि एक्चुअल में जो डेटा है उसके बारे में हमको सही ज्ञान देती है। दूसरा, हेल्प टू प्रोवाइड, थोड़ा इधर कर देता हूं, हेल्प इन द प्रॉपर पावर प्रॉपर प्लानिंग एंड स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी ऑफ एनी फील्ड, हेल्प इन कलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव डेटा। अब ये देखना है, क्वांटिटेटिव डेटा पे ही बेस्ड है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प लेती है नेचुरल फिनोमेना, और बेटर कलेक्शन ऑफ द डेटा में स्टेटिस्टिक्स हमारी हेल्प करती है। यानी स्टेटिस्टिक्स क्या हेल्प करती है, मैनेजर को मैनेजर डिसीजन में हेल्प करती है, डेटा कलेक्शन में हेल्प करती है, और इसको रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करती है, और क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करने में, सॉरी क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस करने में हेल्प करती है, क्वालिटेटिव को एनालिसिस नहीं कर पाते स्टेटिस्टिक्स में। अब इसकी लिमिटेशन भी पूछी जाती है कि स्टेटिस्टिक्स की क्या लिमिटेशन है, कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन हेट्रोजीनियस डेटा। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है, एक तो होता है होमो, होमो सेपियन पढ़ा होगा बचपन में, अभी यहाँ होमो और हेट्रो दो तरीके के डेटा होते हैं, होमो यानी कि एक जैसे और हेट्रो यानी अलग अलग। जैसे कि हमने मिस्टर पिंटू की एज का कंपेरिजन मिस्टर रहीम के इनकम के साथ करा, तो ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों में अगर कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो इसमें अपन नहीं कर सकते। तो मिस्टर पिंटू की एज का कंपैरिजन मिस्टर इनकम के, मिस्टर रहीम के इनकम ग्रुप के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हेट्रोजेनियस इन द नेचर है। मतलब अगर मेरे को मिस्टर पिंटू की एज का कंपैरिजन करना है तो मिस्टर रहीम की भी एज का करूंगा, या मिस्टर रहीम की इनकम का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब मिस्टर पिंटू की इनकम का करूंगा, यानी इनकम एज एज, यानी कि हेट्रोजीनियस इन द नेचर नहीं हो सकता है, ठीक है। लॉ कैन नॉट बी एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं होते, हमेशा प्रोबेबिलिटी बेस पे चलता है। प्रोबेबिलिटी पता है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत मस्त टॉपिक है, आने वाला है, आप चिंता मत करो, वो भी पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, मतलब सैंपल साइज के अकॉर्डिंग डेटा मैनिपुलेट हो जाते हैं। जब हम बड़ी सैंपल साइज लेते हैं तो टेस्ट का रिजल्ट अलग आता है, और छोटी सैंपल साइज लेते हैं तो टेस्ट का रिजल्ट अलग आता है। तो लॉस कैन नॉट बी एग्जैक्ट, इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल आइटम। अब अगर मैं कह दूं कि केवल मिस्टर पिंटू की ही एज का एनालिसिस करो सिंगल, तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि कोई उसका बेस होना चाहिए, हमेशा कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना जरूरी है। जीवन में हम कंपैरिजन ही तभी कर सकते हैं जब दूसरा कोई व्यक्ति हो, मिस्टर पिंटू के साथ मिस्टर रहीम हो, तो किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, यदि हम एवरेज लेंगे तभी रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आएगा, वरना रिजल्ट वेरी कर देते हैं। टू मेनी मेथड, अब यहां पर क्या लिखा है, टू मेनी मेथड यानी कि बहुत सारे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, भाई जेड टेस्ट भी दे दिया, एनोवा भी दे दिया, टी टेस्टिंग भी दे दिया, हाइपोथेसिस भी दे दिया, वन टेल टू टेल टेस्ट अलग ही चल रहे, क्वार्टाइल टेस्ट अलग ही चल रहे, मीन मोड मीडियन अलग ही चल रहे, ये सारे टॉपिक्स है, सब देखने हैं अपन को, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 25 तरीके दे दिए इन्होंने, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 तरीके दे दिए, तो बताइए समस्या होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए ये लिमिटेशन है। आई होप पांचों लिमिटेशन आपको बड़े ही प्यार से आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी, समझ में आए ना आए एक बार मुझे जरूर बताएं। आ जाते हैं अब अगला, जो जहां से थ्योरी पार्ट थोड़ा खत्म होते हुए न्यूमेरिकल शुरू होता है, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो, जितना न्यूमेरिकल आप टफ समझते हो इतना न्यूमेरिकल टफ है नहीं, आप बहुत आसानी से ये चीज कवर अप कर सकते हो। सेंट्रल टेंडेंसी पहले मीनिंग देखेंगे फिर इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी इज अ डिस्क्रिप्टिव समरी ऑफ द डेटाबेस थ्रू अ सिंगल वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट द सेंटर ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो नाम कितना बड़ा लग रहा है, सेंट्रल ने, टेंडेंसी ने, डेटा ने, डिस्ट्रीब्यूशन ने, डिस्क्रिप्टिव, अरे बाप रे बाप, इतना परेशान नहीं होने का। कुल मिलाकर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है मुख्य बिंदु, मध्य का बिंदु, क्या होता है, मध्य, सेंट्रल यानी कि मध्य, और टेंडेंसी यानी कि विचार, यानी कि लोशीलता, यानी कि उसका स्वभाव, टेंडेंसी यानी स्वभाव,
तो किसी का मुख्य स्वभाव क्या है? यदि कहा जाए कि आनंद का मुख्य स्वभाव क्या है, तो बोले मुस्कुराना आनंद सर का मुख्य स्वभाव है। बाकी कभी गुस्सा, कभी चिल्लाना, कभी डांटना, कभी ये कभी वो, ये उनके आजू बाजू के सारे स्वभाव है। तो सेंट्रल टेंडेंसी, मुख्य स्वभाव यानी कि उसका क्या है। तो अब यह होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा का, यह डेटा सेट का एक समरी बनाना, यानी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक जो डेटा है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछना हूं, अभी तक तो आपने इस तरीके से कोई टेबल देखी नहीं होगी, 8, 6, 7, 3, 4, 2, अगर मैं पूछूं आप सबसे कि भैया इन सारे डेटा में सेंट्रल पॉइंट क्या है, तो एक ध्वनि मत में आप सब बोल दोगे सर दो सेंट्रल पॉइंट है, हाँ या ना। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, 2, 3, 4, 6, 8, 9 और यहां पे मैंने लिख दिया 7। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सा पॉइंट है जो सेंट्रल में है, तो आप सभी बोल दोगे सर 7 नंबर जो है वो सेंट्रल में है, एक नंबर ऑफ द डेटा दे रखा है और इसी का सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां तो अपन को वो देख के पता चल गया कि 7 जो है वो 2 के भी करीब है, 9 के भी करीब है, 3 के भी करीब है, 4 के भी, क्योंकि अपन ने डिस्टेंस से अनुमान लगा दिया। लेकिन स्टेटिस्टिक्स में ऐसे नहीं लिखा जाता, स्टेटिस्टिक्स में आपको ऐसे दे देते हैं 2, 3, 7, 9, 4, 5। अब बताओ मुन्ना के इसमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि डिस्टर्ब डिस्पर्जन तो है ही नहीं कि कैसे कौन से चीज किससे ज्यादा दूर है। तब हमको यहाँ पर सेट ऑफ डेटा निकालना पड़ता है और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 मेथड दे रखे हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, मीन, मोड और मीडियन। कौन कौन से मेथड है? मीन, मोड और मीडियन। क्वार्टाइल आप देख लेंगे, अगर होगा तो देख लेंगे, इसमें आया तो देख लेंगे, लेकिन मीन, मोड और मीडियन ठीक है। अब चलो, समझ में आया सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? आज तक समझ में आया था? नहीं आया था तो चलिए अभी समझ लेते हैं। अब ये देखो इतनी बड़ी इसकी डिटेल दे रखी है, नाम दे रखा है ऊपर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और नीचे लिखा है पहला पॉइंट मीन। एक फॉर्मूला भी भैया इधर आया है, फॉर्मूला लाओ भैया इधर स्क्रीन पे। हाँ ये रहा फॉर्मूला मीन, क्या कह रहा है? तो मीन इज द मोस्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल, मोस्ट कॉमन मेजर है। मीन कैन बी डिफाइन ऑल रेशियो स्केल इंटरवल्स द डेटा टू कैलकुलेट द मीन सिंपली टू ऑल योर नंबर्स टुगेदर। नेक्स्ट डिवाइड द सम ऑफ द मेनी ऑफ द नंबर्स दैट। अब ये मीन मीन क्या है? हाउ मीन यू आर, वो वाला मीन नहीं है। इसमें मीन का मतलब होता है एवरेज। स्टेटिस्टिक्स में इसका एक नाम दे रखा है मीन। क्या दे रखा है? मीन, एम ई ए एन। तो इसको नॉर्मल हमारी भाषा में जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं उसमें बोला जाता था एवरेज। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला चलिए आपसे निकलवाना सिखा ही देते हैं। 2 और 4 का एवरेज निकालना है तो क्या करता था मैं, इन दो संख्या का एवरेज निकालना है तो 2 + 4 / 2 क्या होता था, 6 / 2 = 3, हाँ या ना। ऐसे निकालते थे एवरेज। ये फॉर्मूला अभी रहने दो, लिखा के रख रखा है, बुकिश रहने दो। तो आइए सेंट्रल टेंडेंसी अगर मेरे को निकालनी है, कोई क्वेश्चन इसका नहीं है, चलिए अपन ही बना के कर देते हैं। 2 और 4 / यानी कि फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप ऐसे लिखिए, इसको तो नीचे ही उतार देते हैं एक बार अपन, यहां से 2 + 4 देखिए फॉर्मूला कैसे निकलोगे। अच्छा ये सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन फॉर्मूला खत्म। इतना याद करेंगे क्या? अरे क्यों याद करेंगे, हम ये फॉर्मूला ही याद नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ आइटम्स, द सॉरी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, इसी को ही तो सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाय एन, छोटा या बड़ा आपकी इच्छा के अनुसार रखेंगे।
अब चलिए सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का, अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया मीन के द्वारा सेंट्रल टेंडेंसी बताइए, तो आपको क्या करना है, जैसे कि अभी वो अपन पुराना वाला डेटा लेते हैं, उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3, 3, 4, 4 और 10, ये चार डिजिट दे रखे हैं, कौन कौन से, 3, 3, 4, 10, इन चार डिजिट का आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, किस वे से, मीन से, कैसे, मीन से, बहुत सिंपल। अब मीन से सेंट्रल टेंडेंसी क्या करना है, टोटल कर देनी है भैया इन सब की, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 10 = 20, टोटल समझ में आ गई। अब नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1, 2, 3, 4 हो गया, 4 क्लियर, 20 / 4 कुछ नहीं करा, मीन आ गया 5, क्या आ गया, जिसको x बार के नाम से डिनोट कर दिया। अब ये लिखने का तरीका है केवल, क्योंकि कुछ आर्ट्स के भी है इसके अंदर, तो 5 इसकी सेंट्रल टेंडेंसी आ गई। अब इतना सा इजी है, कोई भी आपका डेटा है, अच्छा इसके अंदर तीन तरीके की सीरीज होती है, एक थोड़ा सा आपने 10 to 15, 15 to 25, 25 to 30, 30 to 35 वो वाली सीरीज होती है, एक डिस्पर्स होती है, वो अपन को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमबीए के अंदर यही नॉर्मल सीरीज के अंदर सारे के सारे आपके क्वेश्चन आते हैं मीन मॉड मीडियन के, तो जब अपन स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएंगे तब वो वाली सीरीज भी चेक करेंगे, ठीक है। अभी तो अपन क्वार्टाइल सीरीज और उस पे नहीं जाते, केवल अपन ये नॉर्मल सीरीज, यानी कि क्या करना है, मीन और सेंट्रल टेंडेंसी पूछ ले, जितना डेटा दिया है उसकी टोटल लगा दूंगा, जो नंबर दिए हैं उसको नीचे लिख दूंगा, नीचे आपका मीन आ जाएगा, यह आपका मीन का एग्जांपल खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, 5-7 क्वेश्चन मैं दे दूंगा मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए आपको करना है अभी, तो चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन और करके बता दीजिएगा, 3, 7, 8, 9, 15। अगला लिखिए सर, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट का भी वही आंसर है, 6, 7, 8, 10, 12। अगला लिखिए 3, 4, 7, 6। अगला लिखिए लास्ट 8, 9, 12, 16, 18, ठीक। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, सॉरी 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों के कमेंट करके बता देना कि भैया अपन को मीन निकालने आया कि नहीं आया। अगर एक मिनट में मीन निकालना नहीं सीख पा रहे हो तो फिर वीडियो कोई और ही देखो भैया, अपने कुछ और ही करो जीवन में, स्टेटिस्टिक्स अपने लिए नहीं बनी, टोटल करनी है और नंबर ऑफ आइटम्स का योग करना है। तो 5 बना के मुझे व्हाट्सएप तो नहीं यूट्यूब पे मैसेज कर देना, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ गया मीडियन, पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बताइएगा जरूर, है ना। अगला टॉपिक पे आ गया हूँ मीडियन, मीडियन के अंदर क्या है भैया, मीडियन इज द मिडिल नंबर ऑफ एनी डेटा सीरीज, बहुत ही सिंपल। अभी तक तो मीन में हमको एवरेज निकालना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ तो हमको मिडिल निकालना है, मिडिल ऑफ द एनी सिस्टम। बताओ मीडियन का मतलब क्या है, यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकाली जाती है, यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी डेटा को सेट कर दो और जो बीच में आए उसको मीडियन मान लो। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1, 3, 3, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से छोड़े, ये 6 आ गया, ठीक है। 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम यहाँ पर 2 कॉमन में आ रहे हैं तो 4 + 2। अभी भी नहीं समझ में आया तो मीडियन के आइए एग्जाम्पल करते हैं, किसके एग्जाम्पल कर रहे हैं, मीडियन के। एक डेटा सीरीज दे रखी है 3, 7, 8, 6, 5 बराबर, ये डेटा दे रखा, तो सबसे पहले मेरे को इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा, क्या करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा। तो 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है, फिर क्या आता है, 6 आता है, फिर क्या आता है, 7 आता है, फिर क्या आता है, 8 आता है, ये जमा दिया, डेटा हो गया यहां पर। अब नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 5 है बराबर, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, यानी 2 इधर से छोड़ दू, 2 इधर से छोड़ दू, बीच वाला ये आ गया, अभी भी ये, अगर ये 2 इधर से 2 इधर से छोड़ना नहीं आ रहा है तो कुछ मत करिएगा, ये जो जितने नंबर ऑफ आइटम है इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 6 / 2, क्योंकि बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो आया 3rd, तो 3rd नंबर क्या है, ये 6 है, ये आंसर आ गया। और आगे करके दिखाते हैं, अभी तो एक क्वेश्चन हुआ है, चलिए 4, 6, 7,
3, 2, 1, 8 ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कैसे निकालना है मीडियन, पहले डिसेंडिंग है असेंडिंग कैसे जमा है, अरे डिसेंडिंग ही चलो क्योंकि इजी पड़ता है, असेंडिंग ही चलो सॉरी इजी पड़ता है, डिसेंडिंग में तो अपन अवरोही क्रम में मिस्टेक हो जाती है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 चल, 3 इधर से छोड़ दो, 3 उधर से छोड़ दो, आ गया आंसर 4। ये भी नहीं आ रहा भैया नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मैंने क्या बताया था 7 + 1 / 2 तो क्या आया 8, 8 / 2 तो नंबर क्या आया 4। चौथे नंबर पे कौन सा है, 1, 2, 3, 4 तो 4 नंबर पे 4 लिखा है तो सेंट्रल टेंडेंसी आ गई 4, बोलो मजा आया कि नहीं। तो इतना इजी है लेकिन हमको थोड़ा सा टफ बता के बताया गया है और मैं उसी चीज को इजी कर रहा हूँ। तो मीन मोड आपको समझ में आ गया, एक मीन और मीडियन समझ में आ गया, अब एक मोड और समझ लेते हैं उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट करते हैं ताकि अगले क्या चैप्टर में अगले वीडियो के अंदर अपन कुछ नई बातों की शुरुआत कर सके। अब मोड क्या होता है, द रिपीटेशन, जितनी बार वो रिपीट होगा वो उसका मोड कहलाता है ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर्स द रिपीट आइटम इट्स कॉल्ड मोड, यानी कि बारंबारता हिंदी के अंदर बोला जाता है। अब जैसे कि यहां पर एक लिस्ट दे रखी है 4, 3, 7, 4, 8, 5, 12 यहां पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको पुट करा तो देखा 3 और 4 दोनों 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मोड 3 और 4 है। आइए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं मोड का, किसका मोड का एग्जाम्पल कर लेते हैं 3, 4, 7, 7, 8, 6, 6, 6, 5, 2 अब क्या करेंगे, इस सीरीज को पूरा एक साथ लिख देंगे। क्या करेंगे, इस सीरीज को पूरा एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, वापिस असेंडिंग डिसेंडिंग ही करना है ना, और अपन तो असेंडिंग वाले, अपन तो बढ़ते हुए जीवन में भी प्रगति करनी है, अपन को बढ़ना है, आगे बढ़ना है जीवन में और तरक्की करनी है। आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मतलब आधे घंटे का मेरा को सुनना ही बहुत बड़ी बात है ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां लिख दिया मैंने 8, इतनी बार समझ में आई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, क्या लिखनी है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ के नाम से डिनोट करते हैं। और इसको लिखने का तरीका है 1, 1, 1, 5 कितनी बार है, 1 बार है, 6 कितनी बार है, तो 2 नहीं लिखना है यहां पर, 2 डंडे करने, इसको लिखने का तरीका है। 4 होंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे तो काटी, समझ गए। ये तो खैर आता है बचपन से अपन ये सब कर रहे हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। 7 कितनी बार है, अच्छा 6 3 बार है, 3 बार कर दी। 7 कितनी बार है, 2 बार कर दिया। और 8 कितनी बार है, 1 बार। तो इसको अब इसमें नंबर में लिखोगे 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1 तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी निकल रही है, 6 की। तो मोड क्या हो गया भैया, 6 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मीन मोड मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, मीन के अंदर क्या करना है एवरेज करके नंबर ऑफ आइटम्स रख देना है, यानी एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ टोटल करके नंबर ऑफ आइटम्स नीचे रख देना है। मीडियम के अंदर क्या करना है, आरोही अवरोही में जमाना है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, जो मिड वैल्यू होगी वो मेरी मीडियन हो गई। और मोड में क्या होता है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जीत उसकी, जिसकी ज्यादा लाठी भैंस उसी की ठीक है। तो ये ऐसे मोड निकाल लिया, बताओ समझ में आया, आया तो बताइएगा कि क्या सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा सा एक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुई है, गलती, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखूंगा। पर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो और मिलते हैं जल्दी अगले ही इसी फर्स्ट यूनिट के सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।